हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर की कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करना कई बार होता ही है कि जो मिक्सचर बन जाता है कई बार डिजायरेबल भी होता है, कई बार अनडिजायरेबल होता है, और कई बार इच्छा होती है कि जो मिक्सचर बना है उनसे उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग कर लें, अलग अलग सब्सटेंसेस, यानी देखें कि मिक्सचर किन किन सब्सटेंसेस का बना हुआ है। तो इनके सेपरेशन के कई सारे मेथड हैं। इनके ये मेथड पहले जान लीजिए कि सेपरेशन की बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो सेपरेशन की बेसिक प्रिंसिपल है टू सेपरेट आउट सब्सटेंसेस हैविंग अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, और सब्सटेंसेस को उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर अलग करना, सेपरेट करना, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ सेपरेशन। कोई भी मेथड ले लीजिए सेपरेशन, उनकी कोई ना कोई हम एक प्रॉपर्टी लेंगे और उस प्रॉपर्टी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉपर्टी, हम उन सब्सटेंसेस को हम सेपरेट करने का प्रयास करेंगे। ये प्रॉपर्टी हो सकता है उनकी वॉल्यूम, सॉरी उनकी डेंसिटी, साइज ऑफ पार्टिकल्स, उनकी नेचर, मीन्स डेंसिटी हायर और लोअर, एक की डेंसिटी ज़्यादा है, हायर और लोअर डेंसिटी, एक की डेंसिटी ज़्यादा है, एक की डेंसिटी कम है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो हैवी होगा, हैवियर, या इसको कह सकते हैं हैवियर और लाइटर, दोनों में भी डिफरेंस बताएंगे। तो एक की डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो लिक्विड नीचे सेटल डाउन कर देगा, जिसकी डेंसिटी ऊपर है उसको कम है वो ऊपर रह जाएगा। हैवियर और लाइटर, जो हैवी है, भारी है, वो बॉटम में सेटल हो जाएगा या नीचे चला जाएगा, और जो लाइट है वो ऊपर रह जाएगा। या उसकी वोलेटिलिटी का मतलब कि वो सब्सटेंस किस टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो रहा है, बाष्प में बदल रहा है। यदि वो वोलेटाइल है, यानी लो टेम्परेचर पर ही अगर वो इवेपोरेट हो रहा है, और दूसरा हाई टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो रहा है, तो भी आप उसको अलग कर सकते हैं। अगला कहते हैं, अगला मेथड आप ले सकते हैं, साइज कैसा है, बड़ा है, छोटा है, है ना। बड़ा है तो वो अलग साइज का निकल जाएगा, छोटा है तो उसको अलग साइज पे, आपको साइज के आधार पर सेपरेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मींस अगर वो मैग्नेटाइज होने वाला है, यानी मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाला है या रिपेल होने वाला है, तो उस आधार पर आप सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके आधार पर हम उनको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। हम अब इनके बारे में समझेंगे कि इनकी सेपरेशन की क्या, मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने की कौन कौन सी मेथड्स हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, वन बाय वन। पहले हम बात करेंगे लिक्विड की सेपरेशन की, जिसे हम कहते हैं डिसेंटेशन। पहला जो मेथड है डिसेंटेशन, फर्स्ट मेथड। डिसेंटेशन क्या है? डिसेंटेशन इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्टिकल, सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड। डिसेंटेशन मीन्स क्या होता है कि उसको, जैसे कोई लिक्विड है, देखिए लिक्विड है, इसमें में एक भरा हुआ लिक्विड है, और इस लिक्विड में जहां के तहां सॉलिड पार्टिकल्स इसमें पूरे लिक्विड में डिजॉल्व है। अब इसमें डिसेंटेशन में क्या होगा कि अलग करने की मेथड क्या है, इनको सेपरेट करने की क्या मेथड है, कि एक जो पार्टिकल है सॉलिड है या कोई भी दो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट को दो अलग अलग मेथड पर छोड़ दिए। डिसेंटेशन का मतलब होता है कि इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए तो ये नीचे बैठ जाएगा। तो कह रहा है क्या कि इट इज़ द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड। और ये तो एक ही मेथड होता है कि सेपरेशन ऑफ
इनसोल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड या सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड, लिक्विड की बात होती है, मिसिबल लिक्विड क्या होता है और इमिसिबल CIBL मिसिबल लिक्विड क्या होता है, तो वे दो लिक्विड जो आपस में घुल मिल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, उसे हम लोग कहेंगे मिसिबल लिक्विड, और दो लिक्विड जो आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं वो कहते हैं इमिसिबल लिक्विड। तो इसमें इमिसिबल लिक्विड भी होना चाहिए, तो इमिसिबल लिक्विड के केस में इनको भी आप जो अलग करने का प्रोसेस है उसे हम लोग कहते हैं डिसेंटेशन। डिसेंटेशन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एंड और मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, इट इज कॉल्ड डिसेंटेशन। इसके बाद होता है डिसेंटेशन का ही पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन इसके लिए पहले समझे सेडिमेंट क्या है। सेडिमेंट यानी इसको हिंदी में कहते हैं गाद। सेडिमेंट इसको हिंदी में कहते हैं गाद, अ सब्सटेंस दैट सेटल अप एट बॉटम, अ सब्सटेंस दैट सेटल अप एट द बॉटम ऑफ अ पॉट इज कॉल्ड सेडिमेंट। एंड अ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ टू सब्सटेंसेस बाय यूजिंग प्रोसेस ऑफ सेडिमेंट, सेडिमेंट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। कराया कि द टेंडेंसी ऑफ ए पार्टिकल इन सस्पेंशन टू सेटल डाउन, सेटल आउट एट फ्लड इफ दे आर इंटरटेन्ड एंड केम टू रेस्ट अगेंस्ट बैरियर, दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ अलाउइंग पार्टिकल्स इन सस्पेंशन टू सेटल डाउन ऑफ बॉटम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस, सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। इट इज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर इन विच मिक्सचर इफ मिक्सचर मिक्सचर वन इज मिक्सचर हैविंग different densities. दो substances, दो या दो से अधिक substances जिनकी density different हो उनको अलग करने की process, इसी को हम लोग कहते हैं sedimentation. Sedimentation occur when suspended particles are large enough to settle down at bottom. सेडिमेंटेशन के लिए इसेंशियल कंडीशन क्या है, इसके लिए इसेंशियल कंडीशन है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स और यस वन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल सस्पेंडेड पार्टिकल इज मैसिव इनफ टू सेटल एट बॉटम, सेटल एट बॉटम। इसकी कंडीशन एक ही है कि उसका एक जो पार्टिकल है इतना भारी होना चाहिए कि वो नीचे बॉटम पे तल छटी पर उसके तल पर बैठ जाए, तभी सेडिमेंटेशन का यूज होगा। और उस कंडीशन में आप ऊपर जो बचेगा फिल्ट्रेट उसको आप अलग कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन जैसे मान लीजिए कि वाटर है ना, ये कोई पॉट ले लिया आपने, ये वाटर है और इस वाटर में सैंड घुला डिजॉल्व है, इस वाटर में सैंड डिजॉल्व है,
दिखता है, पहले घुला हुआ है। अब इसके लिए क्या कर दिए, इसे थोड़ा देर के लिए आप स्टील जब छोड़ दीजिएगा स्थिर, तो क्या हो जाएगा कि इसका इसका जो जो सैंड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल नीचे जमा होगा। और इसके ऊपर वाटर आएगा। जो सब्सटेंसेस नीचे बैठ गया इसे कहते हैं सेडिंग। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा कि इसको आराम से, अब आप इसको आराम से एक दूसरे फनल में, दूसरे पॉट में आराम से आप पॉर अप कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, जो लिक्विड पार्ट है वो अलग रह जाएगा और सेडिमेंट है ये नीचे जम जाएगा। इसी चूंकि इसमें नीचे वाटर में सेडिमेंट जमता है, अवशेष अवसाद जमता है, गाद जमता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन अब मेथड ऑफ सेपरेशन, इसको आप इजीली लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हैं कि द मेथड ऑफ ऑफ सेपरेशन बाय फॉर्मिंग सेडिमेंट, वह मेथड का वह से प्रोसेस जिसमें हम सेडिमेंट बनाकर सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन। जैसे आप देखिएगा कि अगर वाटर में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, घुले हुए हैं, उसे का अभी गंदा लग रहा है, तो उसमें एक मेथड कहता है कि आप उसमें थोड़ा सा फिटकरी डाल दीजिए। फिटकरी के प्रभाव से क्या हो जाएगा, उसका जो सेडिमेंट पार्टिकल, कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, वो हैवी हो जाएगा, भारी हो जाएगा और नीचे वो बैठ जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेडिमेंटेशन। क्लियर? तो सेडिमेंटेशन तभी होगा जब सस्पेंडेड पार्टिकल इतना भारी हो कि वो नीचे बैठ जाए बाय इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, हम इसमें ग्रेविटी भी कह सकते हैं। और इट इज द प्रोसेस ऑफ अलाउइंग पार्टिकल्स इन सस्पेंसर टू सेटल डाउन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, सेडिमेंटेशन। क्लियर? अब बात करेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन नेक्स्ट इज, फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन इज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। फिल्ट्रेशन इज द मेथड ऑफ सब्सटेंसेस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यूजिंग फिल्टर पेपर और पोरस सब्सटेंसेस और पोरस मटेरियल। किसी भी पोरस मटेरियल या फिल्टरिंग मटेरियल को का यूज कर सब्सटेंसेस को सेपरेट करना क्या करा है, फिल्ट्रेशन। इसका करें फिल्ट्रेशन इज, डेफिनेशन लिखिए, फिल्ट्रेशन इज से मैकेनिकल और फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड from the solution using filter paper, filter paper का use कर suspended solid को अलग करने का physical मेथड है ये, इसका फिजिकल मेथड है। क्लियर? कह सकते हैं फिजिकल और मैकेनिकल मेथड, सेपरेशन इज मैकेनिकल और फिजिकल मेथड।
सेपरेशन क्या है, सस्पेंडेड फिल्टर पेपर का यूज कर हम सॉल्यूशन यूजिंग फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर का यूज कर, फिल्टर पेपर का यूज कर सस्पेंडेड सॉलिड को अलग करने का मैकेनिकल या फिजिकल मेथड क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन कहलाता है। अब इसके बाद आता है फिल्ट्रेशन इफिशियंसी। दैट अलाउ वन ऑफ द फ्लू टू पास थ्रू देम, यानी कह रहा है क्या, यूजिंग फिल्टर पेपर, इसी को हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इफिशियंसी क्या है, मतलब एबिलिटी टू फिल्टर अ फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन इफिशियंसी, उसकी बात करते हैं पहले। फिल्ट्रेशन इफिशियंसी एबिलिटी ऑफ, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ फिल्टर पेपर, एबिलिटी ऑफ अ फिल्टर पेपर टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड और सॉल्यूशन इज नोन एज फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी। देखिए आज के डेट में बहुत सारे ऐसे वाटर फिल्टर्स आ रहे हैं जिसकी फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत अधिक हाई है। बहुत सारे ऐसे फिल्टर पेपर आपको फिल्टर वाटर फिल्टर मिल जाएंगे जिसमें अगर आप उस फिल्टर में मिल्क डाल दें, दूध डाल दें, तो वो एक तरफ सारा उसका सॉलिड अलग कर देगा और दूसरी तरफ सिर्फ वाटर निकाल देगा, यानी उसकी फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी काफ़ी हाई है। वो जितना ज़्यादा पोरस होगा उसका फिल्टरिंग, उसकी फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी। अब कह रहा फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करेगी, तो ये डिपेंड करेगा सेल साइज स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन पर, ये डिपेंड करेगा सेल साइज स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन पर। या कह सकते हैं फिल्ट्रेशन इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस बेस्ड ऑन डिफरेंट इन केमिकल एंड फिजिकल क्वालिटीज। इसको फिल्ट्रेशन को एक और ये भी आप डेफिनेशन दे सकते हैं, इट इज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। दो सब्सटेंसेस उनकी कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी ले लीजिए, उनकी डिफरेंस क्या कहलाता है, उस आधार पर उनको सेपरेट आउट करना, अलग अलग करना फिल्ट्रेशन कहलाता है। क्लियर, चलिए अब टाइप्स ऑफ फिल्टर, फिल्ट्रेशन के तीन चार टाइप्स की बात करेंगे। ऐसे फिल्ट्रेशन तो कई टाइप्स के होते हैं, पहला होता है वैक्यूम फिल्ट्रेशन, टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कितने टाइप के होते हैं ये चीजें आपको 9th क्लास के स्टैंडर्ड में टीचर्स छोड़ देते हैं, और मैं बारंबार कह रहा हूँ, मैं उन टॉपिक्स को ले रहा हूँ जो आपको पढ़ने को नहीं मिलता है जनरली। 9th में छोड़ देते हैं, 11th में कह रहे यार क्या पढ़ोगे, क्या फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हो, ये तो आप पढ़ते आ रहे हो 7-8 से, अरे आपको आगे छोड़ दिए। फिर आपको पढ़ने को कहाँ मिलेगा, जहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी, वो ये भी था। जैसे आप अगर क्या कहते हैं पैथोलॉजिकल की बात कर लेते हैं, जो लैब टेक्नीशियन सीखते हैं ना पैथोलॉजिकल, उनको फिर फिल्ट्रेशन की अलग अलग टेक्निक्स पढ़नी पड़ती है, या फिर हाई रिसर्च में आप जाइएगा तो वहाँ फिर आपको पढ़ने को मिलेगा, यानी बीच वो चीज़ छूट जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, क्योंकि हो सकता है कि अब आप लोग को ये चीज़ पढ़ा हुआ मिलेगा तो एक तो वहाँ भी सुविधा मिलेगी, आपको कुछ नया सा नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कि धीरे धीरे जिस तरह से लेवल बढ़ रहा है, या हो सकता है जो एग्जाम टाइट हो जा रहा है, कॉम्पिटिशन आ रहा है, उसमें आपसे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पूछ दे, कोई पूछ दे भाई अच्छा ये बताइए कि फिल्ट्रेशन होते कितने टाइप के हैं, अच्छा तो कहेगा अच्छा ये बताइए वैक्यूम फिल्ट्रेशन क्या है। वैक्यूम फिल्ट्रेशन कुछ भी नहीं है, वैक्यूम फिल्ट्रेशन
वैक्यूम फिल्ट्रेशन में क्या है कि टैंक में तो आपको फिल्टरिंग सब्सटेंस रखती है और नीचे वैक्यूम पाइप लगाती है। अब वैक्यूम पाइप लगाए तो क्या हो, चूंकि अंदर वैक्यूम बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो उसका प्रोसेस स्पीड होगा, हाई स्पीड आएगा। तो कह रहा है क्या, अ वैक्यूम पंप इज यूज्ड टू रैपिडली ड्रॉ अ फ्लूइड थ्रू फिल्टर इज कॉल्ड वैक्यूम फिल्ट्रेशन। आपका जो फिल्टर है, फिल्टर में नीचे वैक्यूम लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, उसकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगी, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम फिल्ट्रेशन। मोड ऑफ फिल्ट्रेशन इन विच, मोड ऑफ फिल्ट्रेशन इन विच वैक्यूम इज क्रिएटेड, इज क्रिएटेड टू इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाने के लिए वैक्यूम, वैक्यूम क्रिएट करना, वैक्यूम ट्यूब का यूज करना, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम फिल्ट्रेशन। अगला होता है सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन। सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन अभी देखिए क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन, इसकी बात करते हैं, इसको लैब टेक्नीशियन काफी यूज करते हैं। लैब टेक्नीशियन समझ रहे हैं, चाहे आपका यूरिन टेस्ट हो, ब्लड टेस्ट हो, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन का यूज किया जाता है। इट इज द मोड ऑफ फिल्ट्रेशन इन विच द लिक्विड इज रोटेटेड एट वेरी हाई स्पीड सो दैट मोर डेंस मैटर सब्सटेंसेस सेपरेटेड फ्रॉम लेस डेंस सब्सटेंस, को बहुत तेजी से रोटेट किया जाता है। तो तेजी से रोटेट करने से क्या होता है, और भी जो मतलब कई बार होता है कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं ना उसके फिल्ट्रेट में यानी लिक्विड पार्ट में वो फंसे हुए रहते हैं, ट्रैप रहते हैं, तो ज़्यादा फोर्स लगाने से क्या होता है वो सेपरेट आउट होता है। जैसे आप आज के डेट में देखते हैं वॉशिंग मशीन में सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन यूज होता है, वॉशिंग मशीन में सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन यूज होता है। होता क्या है, वॉशिंग मशीन का थोड़ा सा प्रिंसिपल समझिए। वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि एक बकेट टाइप का ऑपरेटस होता है, बकेट होता है ना उसमें, और उस बकेट में आप कपड़ा डाल दिए, उसमें आपने डिटर्जेंट पाउडर भी डाल दिए, वाटर डाल दिए। अब क्या होता है कि उसमें जब तेजी से रोटेट करता है तो जो क्लोथ है, जैसे ये क्लोथ है ना कपड़ा, इस कपड़े के बीच से बहुत तेजी से वाटर इंटर होता है, जब फोर्स से इंटर होता है तो और क्या रहता है, डर्ट पार्टिकल को लेकर के वो निकल जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में तेजी से, बहुत तेजी से उससे फिल्टरिंग सब्सटेंस को, जैसे फिल्टर करना उसको बहुत तेजी से रोटेट किया जाता है, सो दैट एक लार्जर फोर्स लगता है, और लार्जर फोर्स लगने के कारण उसमें जो छोटे भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। तो कह रहे हैं क्या, मोड ऑफ फिल्ट्रेशन इन विच फिल्टरिंग मटेरियल इज रोटेटेड एट हाई स्पीड, रोटेटेड एट हाई स्पीड, हाई स्पीड सो मोर डेंस मैटर गॉट सेपरेटेड। हाई स्पीड पर घुमाया जाता है ताकि मोर डेंस मैटर जो है वो सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए, इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन। अब हो गया ग्रेविटी फिल्ट्रेशन। सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन समझ गए, वॉशिंग मशीन में जब तेजी से घुमाते हैं तो क्या होता है, और ज्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल,
जो सॉलिड पार्टिकल है सस्पेंड पर, वो और ज्यादा के ज्यादा सस्पेंड पार्टिकल से अलग हो जाता है। दिस इज दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन। जैसे ब्लड को, ब्लड को बहुत तेजी से जो घुमाते हैं हम, तो ब्लड को बहुत तेजी से घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड मटेरियल है वो ऊपर आ जाएगा और सॉलिड नीचे आ जाएगा, जैसे क्रिस्टल ब्लड प्लाज्मा अलग हो जाता है। जैसे सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड, सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन या रिमूविंग डर्ट फ्रॉम क्लोथ इन वॉशिंग मशीन, ठीक है, इसमें यूज होता है सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन की। अब होता है ग्रेविटी फिल्ट्रेशन। ग्रेविटी फिल्ट्रेशन मीन्स उनके ग्रेविटेशनल फोर्स के आधार पर फिल्टर करना। जैसे विनोइंग, विनोइंग की बात करते हैं ना, वो साथे है विनोइंग, विनोइंग इज एग्जांपल ऑफ ग्रेविटी फिल्ट्रेशन। ग्रेविटी फिल्ट्रेशन, ग्रेविटी फिल्ट्रेशन इट इज द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इन विच वन सब्सटेंस इज डिपोजिटेड ओवर द अदर एज ड्यू टू डिफरेंस ऑन दियर वेट। और कोल्ड फिल्ट्रेशन, कोल्ड फिल्ट्रेशन, ग्रेविटी फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल यानी इसको आप ऊंचाई से गिराइएगा तो जो हल्का होगा वो अलग हो जाएगा और भारी हो जाएगा नीचे बढ़ जाएगा। ऐसे एग्जांपल आप इसको विनोइंग भी कह सकते हैं, विनोइंग या और भी कई सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसमें देखेंगे ना कि अब मान लीजिए जैसे एक है आपको हस्क है ना, गेहूं में कुछ कचड़े हैं उसका हस्क है, तो इसको बिल्कुल हल्को जो दूर उड़ जाएंगे फिर भी कुछ भारी होते हैं, तो ग्रेविटी फिल्ट्रेशन के कारण जब बहुत अधिक हाइट से गिराते हैं तरह इन दिस मेथड, इन दिस मेथड मिक्सचर इज गॉट पावर्ड फ्रॉम अ वेरी हाई, पावर्ड फ्रॉम हाई, ऊंचाई से उसे गिराया जाता है। जब ऊंचाई से गिराया जाता है तो क्या होता है कि जो भारी होता है वो वहीं पर जमा हो जाता है और जो कुछ उससे हल्का होता है उससे दूर जाकर अलग हो जाता है। इसमें अगर तीन वेट के सब्सटेंस में बहुत ज़्यादा भारी हो, एक उससे हल्का हो और एक उससे हल्का हो, तो तीनों अलग हो सकता है। मीन्स बहुत से ऐसे देखते हैं ना कि आपका गेहूं अलग हो गया, अब गेहूं की छोटी छोटी बालियां होती है उससे अलग हो जाता है, भूसा उससे अलग हो जाता है, या गेहूं में एक छोटे छोटे लंबे लंबे तिनके नुमा होता है इसे डंठल कहते हैं, अगर वो भी आ गया है तो भी अलग हो जाता है। तो कहाँ है वो, किस में आता है, ग्रेविटी फिल्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि उस पर जब हाइट से गिराते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो सेपरेट हो जाता है। इसी सेपरेशन किसी मेथड को हम लोग कहते हैं ग्रेविटी फिल्ट्रेशन। उसके बाद आ गया कोल्ड फिल्ट्रेशन। कोल्ड फिल्ट्रेशन, कोल्ड फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट फैटी एसिड। इसमें क्या कहा जाता है, जो सब्सटेंस है फिल्टरिंग सब्सटेंस है उसको ठंडा किया जाता है बहुत ही हाई लो टेम्परेचर पर, बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाता है, क्या बोलते हैं, बर्फ मिलाकर छोड़ दीजिए या दूध है मिल्क है ना उसको चारों तरफ बर्फ से ढक दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्रीम आ जाएगा और नीचे मिल्क रह जाएगा। तो सेपरेशन किसी मेथड को हम लोग कहते हैं कोल्ड फिल्ट्रेशन। अब उसके बाद बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल की। सेंट्रीफ्यूगल में फिल्ट्रेशन बात किए थे ना, इसको इस पर थोड़ा सा और चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन का। इसमें आप बात करेंगे इवेपोरेशन, नेक्स्ट मेथड है इवेपोरेशन। क्या है इवेपोरेशन, इट इज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट
और डिफरेंट पॉइंट ऑफ इविपोजिशन। मेथड ऑफ सेपरेशन या सिया का शब्द सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड, अब वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है? वोलेटाइल लिक्विड होता है लिक्विड चेंज टू वेपर एट लो टेम्परेचर। नॉन वोलेटाइल लिक्विड लिक्विड चेंज टू वेपर एट हाई टेम्परेचर। ऐसे तो लोग वोलेटाइल लिक्विड का कहते हैं रूम टेम्परेचर, बट वो सही डेफिनेशन नहीं होता है। दो लिक्विड, एक का जिसका जिसका इवेपोरेशन यानी जो वेपर में कम टेम्परेचर पर लिक्विड हो गया वो वोलेटाइल हो जाएगा, जो ज्यादा टेम्परेचर पर है वो नॉन वोलेटाइल हो गया। तो इसमें क्या होता है, एक वोलेटाइल है और एक नॉन वोलेटाइल है, तो उसको भी थोड़ा सा फिट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक इवेपोरेट हो जाएगा, और जो इवेपोरेट हो गया तो फिर अलग कलेक्टर कंडेंसेट कर लीजिए तो आपका दोनों सब्सटेंसेस अलग अलग प्राप्त हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, सो कीप ऑन वॉचिंग। टिल देन हैव अ नाइस डे।